फ्रेंड्स, वेलकम टू पोलक्स ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोटो डायोड और फोटो डिटेक्टर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो हर एक इंसान अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी आर यूजिंग द रिमोट कंट्रोल ऑफ ए टीवी, सो उसमें हमने देखा कि जैसे हमने रिमोट का बटन दबाया, टीवी ऑन हो गया और उसी बटन से टीवी को ऑफ कर पा रहे हैं, और फिर उसी बटन से, उसी रिमोट से हम चैनल को भी चेंज कर पा रहे हैं। सो ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए डायोड दैट इज कॉल्ड ए फोटो डायोड। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द फोटो डिटेक्टर, कि ये फोटोन्स को डिटेक्ट करेगा, फोटोन्स की एनर्जी को डिटेक्ट करेगा। हमें इस डिटेक्टर के बारे में डिस्कस करना है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फोटो डायोड। सो बेसिकली इट्स ए पीएन जंक्शन डायोड, और पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और एक पीएन जंक्शन डायोड कैसे लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और कैसे फास्ट स्विचिंग एक्शन करेगा वो, लेट अस डिस्कस दैट। सो वी आर टेकिंग द फोटो डायोड, सो इट विल कन्वर्ट लाइट एनर्जी into electrical energy. So कैसे light energy electrical energy में convert हो पा रही है वो discuss करेंगे। So photo diode में हमें एक photo sensitive material को choose करना है, ऐसा material जो light की energy को absorb कर पाए, photon की energy को absorb कर पाए, ऐसा material हमें चाहिए। So we need a photo sensitive material. अब ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल क्या है? फोटो सेंसिटिव मटेरियल एक ऐसा मटेरियल विच कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, विच कैन एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स। हमारे पास बहुत सारे मटेरियल हैं जो फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी विल चूज, बिकॉज वी आर मेकिंग ए डायोड, सो हमें इसमें एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल चाहिए डायोड के लिए। सो वी कैन चूज सिलिकन, वी कैन चूज जर्मेनियम, और वी कैन चूज इंडियम फास्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। सो ये मटेरियल फोटो सेंसिटिव मटेरियल हैं, फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जंप करा सकते हैं। सो लेट मी टेक वन ऑफ द डायोड। सो हमने एक डायोड को लिया, लेट मी टेक वन ऑफ द डायोड। सो लेट मी टेक, दिस इज ए पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड, और हमें पता है पी साइड्स होल्स आर द मेजोरिटी कैरियर and electron are the minority carrier, n side electron are the majority carriers and holes are the minority carriers. So जैसे ही हमने इस junction को fabricate किया, हमारे पास एक built-in potential create होगा, हो चुका है, जो already हम अपने previous lecture में discuss कर चुके हैं। and the built-in potential is here it becomes negative, here it becomes positive. So this is fictitious battery or the built-in potential, और जिसका electric field, ये electric field इस direction में होगा। ये built-in potential already जैसे ही हमने diode को fabricate किया, built-in potential बन चुका है, और इस built-in potential के कारण हमारे पास एक depletion region create हो चुकी है of width d, और हमें पता है कि इस डेप्लीशन रीजन में न्यूट्रल एटम्स हैं। अगर हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन चूज किया तो यहां पे हमारे पास सिलिकॉन एटम होंगे और न्यूट्रल सिलिकॉन एटम होंगे, और जैसे ही लाइट, हमने लाइट को, अब मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं डायग्राम को, हमने लाइट को इसके ऊपर फोल्ड कराया। सो ये लाइट इसके ऊपर, पूरे मटेरियल के ऊपर हमने फॉल कराया। सो जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल करती है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। सो आई डिवाइड
this PN junction diode in three region. So this region I take, this is region 1, and the depletion region I take, this is region 2, and this is region 3. आई रिपीट इट अगेन, हमने अपने डायोड को थ्री रीजन्स में कैटेगराइज किया, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3. सो लाइट इज फॉलिंग ऑन होल ऑफ द सिलिकन डायोड, पूरे मटेरियल के ऊपर लाइट फॉल कर रही है, एंड दिस इज आवर लाइट. अब देखते हैं कि इस लाइट से क्या होगा. सो फर्स्ट आई टेक रीजन 2, रीजन 2 को मैंने चूज किया. रीजन 2 का विड्थ डी है, स्मॉल डी. तो जैसे ही लाइट के फोटॉन्स इस रीजन पे फॉल करेंगे, न्यूट्रल एटम्स के इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने न्यूक्लियस से डिटैच हो जाएंगे, सिलिकन एटम्स को वो छोड़ देंगे, एंड दे विल बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो होगा क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होगा. लाइट कॉन्टिन्यूली फॉल करती जा रही है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते जा रहे हैं. सो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ नंबर ऑफ होल इस स्मॉल रीजन में क्रिएट होते जा रहे हैं जैसे जैसे लाइट फॉल करती जा रही है. सो अब ये बिल्ट इन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है. सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये चार्ज कैरियर, जैसे ही चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस हुए, वो स्वेप्ट अपार्ट होने की कोशिश करेंगे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रॉन they will go to the N side and hole they will go to the P side. So continually the photons are falling and they are breaking the bond of the neutral atoms and electrons become free and hole is created. So electron hole pair create hote jayenge in depletion region D. Aur this built in potential ke karan electron N region mein aur hole P region mein shift honge. They will swept apart immediately due to this built in electric field. Now in region 2, electron and hole swept apart due to built in electric field. Let me take region 1. Region 1 mein कोई बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं. सो लाइट यहां पे भी बॉन्ड को ब्रेक करेगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां पे भी क्रिएट होंगे. सो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएटेड, बट बिकॉज द बिल्ट इन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज जीरो, सो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण वो स्वेप्ट अपार्ट नहीं हो पाएंगे और यहां पर तुरंत रिकम्बिनेशन होगा. रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल होगा, यहां पे रिकम्बिनेशन नहीं होगा, नो रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन एन रीजन में और होल पी रीजन में जाएंगे. और रीजन 1 में हमने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट तो होंगे कि लाइट फॉल करी, लाइट ने बॉन्ड को ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुए, पर तुरंत क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई है ही नहीं तो उसके कारण रिकम्बिनेशन हो गया और किसी तरह का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट यहां पर नहीं होगा. सिमिलरली इन रीजन 3, रीजन 3 में भी ऐसा ही सिचुएशन होगा. इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, ई एच पेयर बनेगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने के कारण रिकम्बिनेशन प्रोसेस हो जाएगा. रिकम्बिनेशन प्रोसेस हो गया. अब इस रिकम्बिनेशन से अब इस रीजन के अंदर भी जो फोटो करंट होगा आईपी, वो यहां पे भी जीरो होगा. इस रीजन में भी जो फोटो करंट वो जीरो होगा, पर इस रीजन में एक फोटो करंट जनरेट होगा क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जंक्शन को क्रॉस करेंगे. इलेक्ट्रॉन दे विल गो टू द एन साइड एंड होल दे विल गो टू द पी साइड. सो उसके कारण यहां पे फोटो करंट मीन्स फोटोन्स की एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर ने जंक्शन को क्रॉस किया और उसके कारण एक फोटो करंट बना यहां पे. अब यहां पे फोटो करंट तो प्रोड्यूस हो गया और कंटिन्यूली लाइट फॉल करती जा रही है. सो मोर एंड मोर होल्स दे विल गो टू द पी साइड एंड मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स दे विल गो टू द एन साइड. सो फाइनली यहां पे होल्स
कि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो अगर मैं अपने सर्किट को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करूँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अगर इसको कनेक्ट करें, सो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, ये करंट फ्लो होगा, इसको फोटो करंट हम बोलेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल बन चुका है इस रीजन में, और इस रीजन में नेगेटिव पोटेंशियल बन चुका है। सो हाई पॉजिटिव पोटेंशियल एंड हाई नेगेटिव पोटेंशियल व्हेन दे आर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ ए लोड रेजिस्टेंस, देन ए करंट विल फ्लो एंड दैट इज कॉल्ड द फोटो करंट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फोटो करंट है, बहुत सारे फोटोन फॉल कर रहे हैं मटीरियल पे, पर जो फोटो करंट है वो बहुत कम है। सो ऐसा किस लिए हुआ कि इस रीजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फोटो करंट में, इस रीजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फोटो करंट में, सिर्फ ये जो स्मॉल डी है, इस स्मॉल डी का कंट्रीब्यूशन है फोटो करंट में। सो अगर किसी तरीके से इस डी को इंक्रीज कर दिया जाए, सो वी कैन इंक्रीज द लाइट कैप्चरिंग कैपेबिलिटी ऑफ द डायोड। सो अब कैसे लाइट कैप्चरिंग, अभी इस केस में कम लाइट कैप्चर हो पा रही है, मोर फोटोन्स आर फॉलिंग बट लेस फोटो करंट इज जनरेटेड, और इस रीजन में भी जितने फोटोन फॉल कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे फोटोन्स फोटो करंट क्रिएट करने में कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं। सो किसी भी तरीके से हमें इस डी को इंक्रीज करना है, सो दैट द लाइट कैप्चरिंग कैपेबिलिटी ऑफ द डायोड इंक्रीजेस। सो कैसे हम डी को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपने डायोड की लाइट कैप्चरिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं? सो फॉर दैट वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ बायसिंग, और डी को इंक्रीज करने का तरीका सिर्फ एक ही है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स बायस। सो अब हम अपने डायोड को रिवर्स बायस में यूज करेंगे। अपना डायोड लिया और ये हमारा पी, दिस इज एन, और इसको हमने रिवर्स बायस किया, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। सो ये हमने नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव एंड दिस इज ए रिवर्स बायस मोड। सो रिवर्स बायस मोड में हमने अपने डायोड को लगाया, और रिवर्स बायस में हमारा टारगेट है कि हमें डेप्लीशन रीजन को इंक्रीज करना है, और रिवर्स बायस में हमें पता है कि ये जो विड्थ है वो हमारी इंक्रीज होगी, और वो अब पिछले मुकाबले में डी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये हमारा पी साइड है, ये हमारा एन साइड है, और यहाँ पे इस ज़्यादा रीजन में हमारे पास न्यूट्रल सिलिकन एटम्स हैं, और वो न्यूट्रल सिलिकन एटम्स के ऊपर अब लाइट फॉल करेगी, सो ज़्यादा लाइट फॉल करेगी, और ज़्यादा लाइट फॉल करेगी सो ज़्यादा यहाँ पे अराउंड द जंक्शन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, ज़्यादा होल इधर मूव करेंगे, बिकॉज दिस नेगेटिव टर्मिनल दैट अट्रैक्ट द होल्स एंड दिस पॉजिटिव टर्मिनल दैट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। सो ज़्यादा चार्ज कैरियर यहाँ पे फ्लो होंगे, सो वी कैन हैव ए लीनियर रिलेशन कि जितने फोटोन फॉल कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास फोटो करंट जनरेट होगा, क्योंकि हमारे पास लाइट कैप्चरिंग कैपेबिलिटी डायोड की ज़्यादा हो चुकी है, और जैसे जैसे रिवर्स बायस को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे डी बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं, हमें पता है कि रिवर्स बायस मोड में ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे होगी, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सो जैसे जैसे डी इंक्रीज होता है, डी इंक्रीज होगा कैपेसिटी दैट विल डिक्रीज, और कैपेसिटी अगर डिक्रीज हो रही है सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी। सो वी नो दैट एफ इज इक्वल टू 1/2 πr/c। सो व्हेन कैपेसिटी इज डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, नाउ वी कैन यूज आवर डिवाइस फॉर हाई स्पीड कंडक्टिविटी, हाई स्पीड डिवाइसेस के लिए इंक्रीज कर सकते हैं जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। सो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए, हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए हम अपने डायोड को यूज़ कर पाएंगे। जैसे हमने रिमोट से चैनल चेंज करना है तो चैनल चेंज करने के लिए हमने बटन दबाया तो एक चैनल लगाया, तुरंत हमने दूसरा चैनल को लगाया। सो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है सो इमीडिएटली एक चैनल से दूसरा चैनल और दूसरे चैनल से तीसरा चैनल, सो चैनल को हम बहुत ही फास्टली चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे
डी को कम रखें, सो डी को कम रखें तो कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और कैपेसिटी ज़्यादा होने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सो एक चैनल के बाद दूसरा चैनल चेंज होने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ डिले जनरेट हो जाएगा, जो डिले हमें नहीं चाहिए। सो यहाँ हमने डिस्कस किया कि कैसे हम लाइट कैप्चरिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए डायोड, फोटो डायोड इंक्रीज कर सकते हैं, और उसकी स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन यूज आवर डिवाइस फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन। और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में हमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन चाहिए। हमारे रिमोट से, हमारे रिमोट कंट्रोल से इंफ्रारेड रेडिएशन वो हमारे टीवी चैनल में, हमारे टीवी में फोटो डायोड पे एंटर होंगे, फोटो डायोड पे, और वो फोटो डायोड अपनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण फटाफट लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा। सो दिस इज अबाउट द रिवर्स बायसिंग मोड, कि रिवर्स बायस मोड से हम अपने डिवाइस की लाइट कैपेबिलिटी, लाइट कैप्चरिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे एक विंडो को यूज़ करते हैं, वो विंडो फोटॉन्स को डायरेक्ट अलो करेगी विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन, विंडो का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट नेगलिजिबल होगा, और वो मैक्सिमम लाइट को इस डी रीजन के अंदर एंटर कराएगी। अब हम डिस्कस करते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोस। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज आवर डायोड करंट, और हमें पता है व्हेन वी आर यूजिंग द फॉरवर्ड बायस इट इज इन मिली एम्पियर, और डायोड करंट व्हेन वी आर यूजिंग रिवर्स बायस इट इज इन माइक्रो एम्पियर। और फॉरवर्ड बायस में हमने जब यूज किया तो हमारे पास ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है और ये हमारे पास रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। सो व्हेन देयर इज नो फ्लक्स, नो फोटॉन्स आर फॉलिंग ऑन द डिवाइस, स्टिल वी सी दैट वी हैव सम करंट एंड दैट इज कॉल्ड डार्क करंट। अब ये डार्क करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ? डार्क करंट जैसे फोटोन ने फॉल किया, फोटोन यहां पे नहीं है, फाई इज इक्वल टू जीरो, नो फ्लक्स, नो फोटोन्स, सो स्टिल डार्क करंट हमारे पास कहां से आ पा रहा है? रूम टेम्परेचर के ऊपर भी कुछ न्यूट्रल सिलिकॉन एटम्स के बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, और उन बॉन्ड के ब्रेक होने से कुछ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन को क्रॉस कर सकते हैं, और जिसके कारण ये डार्क करंट प्रोड्यूस होगा। सो दिस डार्क करंट इट इज ड्यू टू दी थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जिसके कारण ये डार्क करंट प्रोड्यूस होगा। और उसके बाद जैसे कुछ फोटोन फॉल करेंगे, अब यहां पे फाई वन आ गया, फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो ये हमारे पास एक और करंट दैट इज कॉल्ड फोटो करंट, और जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई पी वन। और जैसे जैसे फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा, phi 2 होगा, और ये फिर हमारे पास आई पी टू, और अगेन जैसे phi 3 होगा वैसे फिर हमारे पास आई पी थ्री। सो एक लीनियर रिलेशन होगा फ्लक्स में और फोटोकरंट में। सो हम अब डायोड करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, डायोड करंट। और डायोड करंट हमें पता है आई डी दैट इज इक्वल टू आई एस ई रेस टू द पावर ई वी अपॉन के टी माइनस वन व्हेन फाई इज इक्वल टू जीरो, व्हेन देयर इज नो फ्लक्स। पर जैसे ही फ्लक्स होगा, सो डायोड करंट आई डी इज इक्वल टू आई एस ई रेस टू द पावर ई वी अपॉन के टी माइनस वन, हेयर फाई इज इक्वल टू फाई वन। सो यहां पे जब फ्लक्स होगा phi इज इक्वल टू phi 1 होगा, सो वी विल हैव द फोटो करंट, दिस इज कॉल्ड डार्क करंट और सैचुरेटेड करंट, एंड दिस इज कॉल्ड फोटो जनरेटेड करंट। एंड दिस V इज कॉल्ड रिवर्स बायस वोल्टेज, K इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, T is the room temperature. So this is our diode current. When there is no flux, then this is the diode current. When there is a flux, then this is the diode current. Now finally we will discuss what is the relation between the flux
and the photocurrent. So here I take flux and here I take photocurrent. Photocurrent is IP. When phi is equal to 0, when flux is equal to 0, still we see that we have this much of current, and this is called ID, dark current. Already we discussed dark current, it is due to thermally generated charge carriers. Thermally generated electrons and holes ke karan ye current hoga. Jab koi flux nahi hoga, koi photon depletion region pe fall nahi karenge, tab bhi hamare paas ek current hoga. Aur uske baad jaise flux increase karenge, hamare paas jaise flux increase hoga, in the same proportion photocurrent increase hoga. So we will get this linear relation from here to here. But before this we get, if we increase further flux, then there is no change in photocurrent, because jitne maximum at this flux jitne maximum number of neutral silicon atoms ke bond break ho chuke hain aur maximum electron hole pair create ho chuke hain, so uske baad photocurrent hai, that becomes saturated, there is no increase in photocurrent. So this was the relation between flux and photocurrent. So we discussed a very important diode, that is called photodiode, which is sensitive to the photons. Jaise photons hamare material pe fall karte hain, that produce a current. So light energy kaise electric energy mein convert ho pa rahi hai, humne dekha with all the derivations and with graph. Thank you.